गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, चैप्टर लैंड सॉइल एंड वाटर कंटिन्यू कर रहे हैं, सेक्शन सी। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस का 7th नंबर क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन पे ध्यान दोगे, क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन हाइड्रोलॉजिकल साइकिल विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल का एक्सप्लेनेशन डिमांड कर रहा है ये क्वेश्चन, है ना, विद हेल्प ऑफ डायग्राम। मतलब कि इस क्वेश्चन में पहले तो एक्सप्लेन करना है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल क्या है और उसे फिर डायग्राम बनाकर दिखाना भी है। तो ठीक है, तो देखो आंसर इस तरह से कंपोज करेंगे। पहले हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है क्या वो बताएंगे, ठीक है। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल ऑल्सो नोन एज वाटर साइकिल, ये वर्ड याद रखना, वाटर साइकिल मीन्स हाइड्रोलॉजिकल साइकिल जो है उसे वाटर साइकिल भी बोलते हैं, ठीक है। तो आगे ध्यान दो, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल ऑल्सो नोन एज वाटर साइकिल टेल्स अस अबाउट कंटिन्यूअस मूवमेंट ऑफ वाटर। किस चीज के बारे बता रही है, कंटिन्यूअस मूवमेंट ऑफ वाटर इन द एयर एंड ऑन द सरफेस, ठीक है, इन द एयर एंड ऑन द सरफेस। ये क्या कंटिन्यूअस वाटर मूवमेंट का बात कर रहा है कि किस तरह एयर के थ्रू, ठीक है, ये फिर सरफेस पे आता है, ठीक है। तो ये कैसे होता ये इन डेप्थ आगे देखते हैं, उससे पहले ये डायग्राम बना लो, ठीक है। ये 7th नंबर आंसर लिखोगे हाइड्रोलॉजिकल साइकिल वाला, फिर उसके बाद ये डायग्राम बनाना बीच में, ठीक है। सिंपल सा है डायग्राम, काफी सिंपल सा डायग्राम खोज के दिए हैं तुम लोगों को, ठीक है। ये जिस तरह लाइनिंग है, लाइनिंग देना ये, फिर वाटर लिखना, फिर यहाँ पे लैंड बनाना, ठीक है। ट्री नहीं बनाओगे तो भी चलेगा, बट लैंड इस तरह बनाना और वाटर इस तरह बनाना। ये अपवर्ड सिंबल दिखाना, सन को थोड़ा दूर में रखना, अपवर्ड सिंबल दिखाना। ये जो इवेपोरेशन का लाइन है इसे सन पर ले जाके टच मत करना, ठीक है, इसे सन पर ले जाके टच मत करना। सन क्या करना तुम लोग अपना डायग्राम में ना, सन को ये थोड़ा सा साइड ले आना उठा के, ठीक है, इस जगह पे सन कर लेना, तो इस जगह से सन हट जाएगा, ठीक है। तब फिर डायरेक्ट ये केरो बनाना, इवेपोरेशन लिखना, ठीक है इवेपोरेशन लिखना, ये ड्रॉपलेट बनाना। फिर इवेपोरेशन लिखने के बाद, ठीक है, यहाँ पे क्लाउड यूं दिखाना, ठीक है, क्लाउड दिखाना यूं इस तरह, फिर क्लाउड दिखाना, फिर इस क्लाउड का आगे फिर एक एरो लगाना, यहाँ पे लिखना कंडेंसेशन, और डायग्राम नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा, बड़ा बड़ा बनाना, ठीक है, होचपोच मत करना, डायग्राम क्लियर रहना चाहिए, ठीक है। फिर कंडेंसेशन लिखना वर्ड इस एरो के आगे, फिर इस तरह का क्लाउड बनाना। मतलब ये कैसे बनाओगे, इस तरह बनाओगे, देखो दिखा रहा हूं मैं सिंबल, यूं करोगे, है ना, क्लाउड का फॉर्मेशन, फिर ऐसे ऐसे रेनड्रॉप दिखाना, ठीक है, रेनड्रॉप दिखाओगे तो रेनड्रॉप दिखाना, उसके बाद फिर एक एरो नीचे लैंड की ओर बनाना और वहां पे प्रिसिपिटेशन लिखना, ठीक है, और ये पूरा बनाकर डायग्राम का नीचे द वाटर साइकिल लिख देना, ठीक है। तो ये डायग्राम रेडी हो जाएगा। जब ये डायग्राम बना लोगे तो उसका बाद फिर नीचे क्या लिखोगे, ये लिखना, प्रोसेस ऑफ वाटर साइकिल। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन का क्या डिमांड है, एक्सप्लेन हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, मतलब जो वाटर साइकिल का प्रोसेस है, प्रक्रिया है, ठीक है, उसे पूरा एक्सप्लेन करना। तो इस तरह एक्सप्लेनेशन लिखोगे, ध्यान से सुनना, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल क्या है, वाटर साइकिल क्या है, ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओशियनिक वाटर गेट्स इवेपोरेट थ्रू सन टू फॉर्म क्लाउड, ठीक है, ओशियनिक वाटर जो है वो इवेपोरेट होगा, तो इवेपोरेशन कब होगा, जब हीट रहेगा, हीट कहां से मिलेगा, सन से, सन का हीट से ओशियनिक वाटर इवेपोरेट हुआ तो उसका बाद क्या हुआ, क्लाउड का फॉर्मेशन हुआ, है ना, क्लाउड का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड, जब क्लाउड का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है, क्लाउड का फॉर्मेशन हो गया ये, ठीक है, अब क्या होगा, आस्ते आस्ते यहां ये क्लाउड प्रिसिपिटेट करेगा, ठीक है। तो प्रिसिपिटेट करने से पहले क्या होगा, इसका कंडेंसेशन होगा, कंडेंसेट होना मतलब कि जब गैसियस स्टेट से कोई लिक्विड स्टेट में आता है सब्सटेंस, तो उसे बोलते हैं कंडेंसेशन, ठीक है। तो जैसे ये क्लाउड का फॉर्मेशन हुआ ना, तो ये भी क्या गैसियस फॉर्म में, अब आस्ते आस्ते क्लाउड का टेम्परेचर कम होगा तो कंडेंसेशन होगा, ठीक है, अब कंडेंसेशन होगा तो प्रिसिपिटेट होगा। तो ये कंडेंसेशन, टेम्परेचर कम होना वो सब नहीं लिखेंगे, ये तुम्हारा एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता दिए, अकॉर्डिंग टू द 8 आंसर में इतना इन डेप्थ नहीं आने की जरूरत है, बट फॉर योर कंसेप्ट मैं बता दिया हूं। तो यहां से आगे आ जाओगे, क्लाउड, आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड इट प्रिसिपिटेट्स इन द फॉर्म ऑफ रेन,
प्रिसिपिटेट किस फॉर्म में होगा? रेन, बरसात के फॉर्म में। रेन कम्स ऑन लैंड एंड रन ऑफ, रन ऑफ मतलब बह जाना है ना। बरसात क्या होगा, धरती पे आएगी और फिर रन ऑफ टू ओशियन, और फिर बह के ओशियन में ही रिटर्न चला जाएगी, ठीक है, चली जाएगी। तो ये जो प्रोसेस है इसी तरह कंटिन्यू चलता रहता है, ठीक है। ओशियन से इवेपोरेशन, क्लाउड का फॉर्मेशन, ठीक है, फिर कंडेंसेशन होगा तो फिर प्रिसिपिटेशन होगा, प्रिसिपिटेशन होगा तो लैंड पे आएगा वाटर और फिर ये ओशियन में। तो ये प्रोसेस कंटिन्यू इसी तरह चलता रहता है, ठीक है। इसी प्रोसेस को बोलते हैं हाइड्रोलॉजिकल साइकिल या वाटर साइकिल, ठीक है। तो इसी चीज को आगे कंटिन्यू लिखे हम लोग, थ्रू दिस प्रोसेस मूवमेंट ऑफ वाटर, मूवमेंट ऑफ वाटर कंटिन्यूज ऑन अर्थ, पृथ्वी पे जो वाटर का मूवमेंट है इसी तरह कंटिन्यू रहता, देयरफॉर दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वाटर साइकिल। हो गया, एक्सप्लेन कर लिए, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8 पे ध्यान दो, हाउ डज रिवर वाटर गेट पोल्यूटेड। ये सिर्फ ये पूछ रहा है कि रिवर वाटर पोल्यूट कैसे होता है, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे, व्हेन वी रिलीज अनट्रीटेड इंडस्ट्रियल वेस्ट, ठीक है। इंडस्ट्रियल वेस्ट क्या होता है कि जैसे फैक्ट्री में बहुत सारा वाटर्स का जो यूज होता है, ठीक है, तो वाटर्स का यूज होता है तो फिर क्या होता है, वो ड्रेन के थ्रू गंदगी के साथ बाहर आता है, तो वो उसे साफ नहीं करते हैं, ठीक है, वो गंदा ही हम लोग रिवर में ड्रेन कर देते हैं, बहा देते हैं, ये सोचकर कि वो रिवर में मिलकर ऑटोमेटिक साफ हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ठीक है। ये रेट जो वाटर का न्यू करने का रेट है रिवर का, ठीक है, ठीक है, उसे रिकवर करने का रेट है वो कम है, ठीक है, रिकवरी रेट कम है, लेकिन हम लोग जरूरत से ज्यादा वेस्ट रिवर में डाल देते हैं तो रिकवरी रेट स्लो हो जाता है तो पॉल्यूशन बढ़ जाता है। तो उसी बात को यहां पर हम लोग टेक्निकल वर्ड में लिखे हैं कि व्हेन वी रिलीज अनट्रीटेड इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड अनट्रीटेड सीवेज, सीवेज मतलब घर का नाला जो होता है ना, घर का नाली, ठीक है, वो अनट्रीटेड सीवेज इनटू रिवर, ठीक है। जब नदी में ये सब वेस्ट हम लोग ड्रेन आउट करते हैं, बहा देते हैं, तो दिस मेक्स वाटर अनस्टेबल फॉर ह्यूमन कंजप्शन। तो इससे क्या होता है कि जो वाटर है रिवर वाटर वो अनस्टेबल हो जाता है, मतलब वो ह्यूमन कंजप्शन के लिए सही नहीं रहता है, ठीक है। दिस ऑल कॉज फॉर रिवर पॉल्यूशन, और ये सब कारण है रिवर पॉल्यूशन का। यहाँ पर सिर्फ कारण पूछा था, हाउ डज रिवर वाटर गेट पोल्यूटेड, कैसे होता, तो बता दिए कैसे होता, ठीक है। अब फोकस करोगे 9th क्वेश्चन पे, गिव 3 इकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स कॉज्ड बाई बिल्डिंग लार्ज डैम्स। लार्ज डैम बनाने से इकोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या होता, तो क्वेश्चन पूछ किया रहा कि बड़ा डैम बनाने से 3 इकोलॉजिकल प्रॉब्लम बताइए क्या होता, ठीक है। तो इसे सजा कर लिख दिए, फॉलोइंग्स आर द 3 इकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स ऑफ डैम्स। फर्स्ट, रिवर वाटर गेट डाइवर्टेड, जो नदी की बहाव होती है, नदी की पानी होती है, वो डाइवर्ट हो जाती है जहां पे डैम बनाया जाता है, स्टोरेज करते वाटर को, ठीक है। फिर एक्वाटिक लाइफ गेट अफेक्टेड, एक क्या होता है ना कि देखो एक्वाटिक लाइफ डिपेंड करता है वाटर का सैलिनिटी पे, वाटर का फ्रेशनेस पे, तो क्या होता है कि ये जो फ्रेशनेस लेवल है ना वाटर का चेंज हो जाता है, तो उससे एक्वाटिक लाइफ पे इफेक्ट पड़ता, तो एक्वाटिक लाइफ गेट अफेक्टेड। एंड थर्ड, फ्लो ऑफ अंडरग्राउंड वाटर इज ऑल्सो चेक्ड, ठीक है। अब फ्लो ऑफ अंडरग्राउंड वाटर जो है, मतलब धरती के नीचे जो पानी है, जो ट्यूबवेल से हम लोग निकालते हैं, ठीक है, पानी बोरिंग करवा के, तो वो पानी का जो लेवल होता एक्वाफर पे, जो पानी का लेवल होता वो भी चेंज हो जाता। तो दीज ऑल आर 3 इकोलॉजिकल प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद द बिल्डिंग ऑफ डैम्स। तो यहां तक तुम लोग अपना नोटबुक पे अच्छा से राइट डाउन कर लोगे, समझा दिए हैं, लेक्चर ऑलरेडी यूट्यूब पे अवेलेबल है, अगर कोई डाउट हो तो फिर से देख लोगे एक बार, ठीक है, और फिर भी कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लोगे, और नोट्स अच्छा से बनाओ। नेक्स्ट लेक्चर में मात्र 2 क्वेश्चन और बचा है, ठीक है, उसे कंप्लीट कर लेंगे हम लोग, तो फिर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और बढ़िया से याद करो सारा चीज, स्कूल खुलने के बाद टेस्ट लेंगे हम सारी चीज का, ठीक है। बाय, टेक केयर।